नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। कांग्रेस देश के आजादी के बाद आज तक बेचती आई है, जनता को लूटती आई है। आज इस कांग्रेस सरकार के एक जो राज्यसभा का सदस्य है, जिसकी अलमारियों में 200 करोड़ रुपए मिलते हैं, और मोदी जी को कहते हैं कि आपकी गारंटी क्या है। ये मोदी जी की गारंटी है, जो कांग्रेस का एक एक भ्रष्टाचार का पैसा वापस निकाल के इस देश के विकास के लिए लगाया जाएगा। जब मोदी जी ने शपथ ली थी, उन्होंने वादा किया था कि कांग्रेस वालों, तुमने जो देश में राज किया है, भ्रष्टाचार का पैसा कमाया है, मैं एक एक करके तुम्हारे पैसे कटाऊंगा, बाहर निकालूंगा। तो आज ईडी पे और इनकम टैक्स के ऊपर जो सवाल करते हैं, जनता आप देख लो, ये मोदी जी का करिश्मा है कि जिन्होंने ये पैसे भ्रष्टाचार के बाद निकाले। देश की आज़ादी के बाद चीप घोटाला, स्टेपर घोटाला, कोयला घोटाला, खान घोटाला, तो कई कई घोटाले हुए हैं। अभी भी चेक जाओ, अभी भी तुम देख लो कांग्रेस वालों, ये आपके एक एक पैसे को मोदी जी बाहर निकालेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, एक राज्यसभा के सदस्य के पास 200 करोड़ रुपए मिलते हैं, मशीनें गर्म हो जाती है, मशीनें खराब हो जाती है, लेकिन पैसे खत्म नहीं होते हैं। ये मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ। आज हमने भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर की ओर से पूरे प्रदेश भर में जो भ्रष्टाचारियों के पुतले जला रहे हैं, जिनके पास खाली कारनामी है, उसको हम बाहर निकालने के लिए आगे भी यही कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पूरा देश स्तंभ है, ऐसा पैसा अलमारियों में भरा हुआ आज़ादी के बाद में भारतवासियों ने किसी ने नहीं देखा होगा। चिंता हो गई, इनकी मोहब्बत की दुकान जो ये खोल के बैठे थे वो भ्रष्टाचार की दुकान निकली। हमेशा बड़े बड़े व्यापारियों पर लांछन लगाते थे सरकार को बदनाम करने के लिए, किसी भी स्तर तक गिर रहे थे। मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये देश को भी बदनाम करने में तुल गए थे। आज उनकी मोहब्बत की दुकान में जो भ्रष्टाचार निकला है झारखंड के अंदर, जो धीरज साहू कांग्रेस का राज्यसभा सांसद है, उसके अभी तक जो 300 करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुके हैं और मशीनें थक चुकी है, मशीनें टूट चुकी है, नोट गिनने वाली, भ्रष्टाचार का पैसा एक की जगह अलमारियों में भरकर जिस तरह कांग्रेस ने रखा, ये इनका चाल चलन चरित्र बताता है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस इनका चोली दामन का साथ रहा है। इस देश को बर्बाद करने में, इस देश को सबसे ज़्यादा गर्द में ले जाने में भ्रष्टाचार का हाथ रहा है। और वो सब भ्रष्टाचारी जितने भी है, चाहे पहले 2G 3G कोल घोटाले हुए या जीप घोटाले से लेकर आज़ादी के लेकर आज तक, चाहे अल्कोहल घोटाले हुए, सब कांग्रेस की देन है। और ये देश, ये हर बच्चा जो तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देने वाली कांग्रेस, लोगों को रोजगार नहीं देने वाली कांग्रेस, किसानों के साथ धोखा करने वाली कांग्रेस, उन सबको पहचान चुकी है देश की जनता इन कांग्रेसियों को, और समय समय पर जवाब दे रही है। और अब आने वाले लोकसभा चुनाव में एक एक नोट जो आज अलमारियों में दिखा, उसका हिसाब मांगेगी देश की जनता और मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाएगी। 400 पार होगी इस बार, ऐसा हमारा विश्वास है। आज पार्टी की जोधपुर शहर इकाई की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। कांग्रेस का भ्रष्टाचारी रूपी ये पुतला जलाया गया, उसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, उसके लिए भी इस प्रदेश की सभी जनता को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और चॉइस के लिए हम खड़े हो जाएं और मोदी जी को जिता के लाना है। वंदे मातरम दोस्तों, मैं शुभम मंच आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार धीरज साहू ने ये भ्रष्टाचार फैला रखा था, उसको मोदी जी की गारंटी के साथ में सरकार ने निरस्त साबित किया है। और ऐसे ही जनता का पैसा जनता तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का कार्य रहेगा, और निरंतर इन भ्रष्टाचारियों को ये मैं कहना चाहूँगा कि ये अपना दुर्व कृत्य बंद कर दे, निरस्त बनना, यही हाल सभी का होने वाला है। सभी को जेल मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। जनता का जो पैसा आपने लूटा है वो आप तक, आपसे वापस छीना जाएगा। मोदी सरकार की यह गारंटी है। धन्यवाद।